सोलन के धर्मपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। रैली के दौरान जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं में नए जोश भरा और उन्हें आने वाले चुनावों में भाजपा का साथ देने और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आग्रह किया। सोलन के धर्मपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जयराम ठाकुर ने रैली में कार्यकर्ताओं में नए जोश भरा और उन्हें आने वाले चुनावों में भाजपा का साथ देने और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज भारत की जनता का केवल एक ही लक्ष्य है, वह केवल मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप हैं और कांग्रेस के धनीराम शांडिल हैं, दोनों ही फौजी हैं, लेकिन भाजपा के फौजी सर्जिकल स्ट्राइक को अच्छा मानती है, उसे सराहती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार उसके सबूत मांगती है। इस मौके पर जयराम ठाकुर से जब फोन टैपिंग और जासूसी मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा बहीन हो चुकी है और हिमाचल की जनता को ध्यान भटकाने के लिए वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है जिसमें फोन टैपिंग तो दूर, वे उन पर नजर रखने का भी सवाल पैदा नहीं होता, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस के पास तमाम मुद्दे खत्म हो चुके हैं, इसलिए वे उन बातों को तूल दे रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। नजर तो हम ऐसे सामने रखते हैं, लेकिन जिस नजर का वो जिक्र कर रहे हैं उस प्रकार का कोई नहीं, सवाल पैदा ही नहीं होता है। और यहाँ फोन टैपिंग की तो सवाल गुंजाइश बनती ही नहीं है, लेकिन नजर रखने की भी बात जो है वो इस प्रकार की नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मुझे मालूम नहीं कि कांग्रेस के पास तमाम मुद्दे खत्म हो गए फिर ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं।